ओम शांति। हम सभी भगवान के बच्चे अनेक वरदानों से संपन्न हैं। बाबा ने हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाई है। हमारा व्यवहार बहुत श्रेष्ठ हो, हमारे व्यवहार में दिव्यता हो, ये सत्य ज्ञान हमें प्रदान किया है। हमें याद रखना है, जैसा व्यवहार हम दूसरों से करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें कहीं ना कहीं से अवश्य प्राप्त हो जाता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि हम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार हम उनसे चाहते हैं। तो मुख्य रूप से व्यवहार में आते हैं हमारे बोल। बोल हमारे बहुत श्रेष्ठ हों, वरदानी हों, दूसरों को एनकरेज करने वाले हों, दूसरों को हर्ट करने वाले ना हों। मनुष्य के अंदर जो कुछ रहता है वह उसकी वाचा से बाहर अवश्य निकलता है। इसलिए अपने बोल को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें अपनी इनर फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ करना होगा। सबके लिए कल्याण की भावनाएं रखनी होंगी, सभी को सुख देने की भावना, सभी को आगे बढ़ाने की भावनाएं रखनी होंगी। तो हम अपने बोल बहुत अच्छे, प्रेरणादायक, प्रोत्साहन देने वाले, एप्रिसिएशन वाले बोल बोल सकेंगे। देखिए, हमारे बोल का परम महत्व है। हमारे बोल दूसरों के लिए वरदान भी बन सकते हैं और अभिशाप भी। तो हमें कैसा बोलना चाहिए, भगवान के बच्चों को कैसे बोलना चाहिए, इसके बारे में हम अपने से बातें किया करें। हम वैसा नहीं बोल सकते जैसे संसार में कलयुगी मनुष्य बोलते हैं, जो माया के प्रभाव में जी रहे हैं। जिस ढंग से वो लोग बोलते हैं वैसे ही बोल हम नहीं बोल सकते। हम महान हैं, हमने भगवान के बोल सुने हैं, हमने भगवान से वरदान पाया है। जिस मुख से अमृत ज्ञान छलकता हो, जिस मुख से दूसरों को प्रभु संदेश दिया जाता हो, जिस मुख से हम सदा ही दूसरों को वरदान देना चाहते हों, उस मुख से हम कड़वे वचन नहीं बोल सकते। हम दूसरों के लिए ऐसे वचन नहीं बोल सकते कि उन्हें उनके पास्ट की बुरी बुरी चीज़ें याद आ जाएं। हम उन्हें याद दिलाने लगे, तुम तो ऐसे थे वैसे थे, ये सब हमारे बोल नहीं होने चाहिए। हम महान हैं, हमें तो सबका कल्याण करना है, हमें तो सबकी बिगड़ी को बनाना है, हमें तो निराश आत्माओं में आशाओं का संचार करना है। हमारे बोल बहुत महान, दूसरों को महान बनाने वाले, निराशा के अंधकार से बाहर निकालने वाले होने चाहिए। दूसरे लोग गलती कर सकते हैं, वो पाप भी कर सकते हैं, वो हमारे पास आएंगे, हमें फिर से उन्हें जगाना होगा, क्योंकि पाप से पहले ही आत्माएं मूर्छित हो गई होती हैं। हम यदि उन्हें और कुछ कहकर मूर्छित कर देंगे तो वो भला किसके पास जाएंगी। तो हम अपने बोल के द्वारा आत्माओं को भगवान के समीप लाएं, हम अपने बोल के द्वारा उनके दुख दूर करने लगें, हम अपने बोल के द्वारा उन्हें स्वमान दिलाने लगें, उनकी सोई हुई चेतनाओं को जगाने लगें, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। हम महान हैं तो हमारे बोल भी, हमारा व्यवहार भी बहुत महान होना चाहिए। तो आइए आज हम सारा दिन प्रभु मिलन का सुख प्राप्त करेंगे और हर घंटे में एक बार बाप दादा का आह्वान करेंगे, परम धाम में ले चलेंगे बुद्धि और बाबा को प्यार से निमंत्रण देंगे कि हे प्यार के सागर हमारे पास आ जाओ, और महसूस करेंगे, विजुअलाइज करेंगे निराकार शिव बाबा परम धाम से नीचे उतरने लगे।
अपनी किरणें चार ओर बिखेरते हुए नीचे आ रहे हैं, आ गए सूक्ष्म लोक में, ब्रह्मातन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं और हमारे सामने आ गए, मस्त हमें दृष्टि देने लगे, हमारे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। बाबा से दो प्यार भरी बात कर लेना, ऐसा अभ्यास आज सारा दिन करेंगे। ओम शांति।